अरे कांगे तो छोरो तेरी छोरिया गुरु जी की माँ। देखिए साहब, अपना अपना भैरू भी सबका अलग अलग हो, पर भैरू जी महाराज की भी बड़ी शक्ति है। भैरू जी महाराज पूजवा से कई कष्ट भैरू जी महाराज दूर करें, जन जगह ने पालो भी बंदे। अगर भैरू जी महाराज के दरबार में आपका भैरू जी पूज लो तो पालो जरूर बंदे, ऐसा संतों ने कहा है। तो आइए, कहना है कई प्रकार से भैरू जी महाराज आवे और कई प्रकार से भैरू जी महाराज के अरदास लेवा के लिए पूजा जी आवे। क्या बात है, तो कहना है वो भैरू जी नाना रे नाना का बाजे गोगेरा। दका दका, क्या बात है। और भैरू जी महाराज ने यहाँ कई बात बने, वो भैरू जी नाना रे नाना का बाजे गोगेरा। ऐसा प्रोग्राम में पानी आ जावे, प्रोग्राम में साउंड खराब हो जावे, तो यो अपना हाथ में नहीं। गुरु महाराज ने की किडी ने कण हाथ ने मन देवा वाला दे दिया, अपने हाथ में कहीं कहीं नहीं, अपने नहीं जमत में रह गया। क्योंकि एक बात याद आई मारे है वे पवन जी पंडा जी कहां है भी नहीं दिख रहा। एक बार वो के साथ में वो तीरथ चल गई, अबे पवन पंडा जी के साथ में तीरथ चल गया, वासा आया उदयपुर रेलवे स्टेशन से, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी भीड़ की पांव रखने के लिए जगह ही कोई नहीं। तो मां के साथ एक और था मांगीलाल जी डॉक्टर साहब जामुने वाले, उनने की कि थमे ब्यावरा रेलवे स्टेशन तक ले चलवा की मारी गारंटी मेरी के बताओ डॉक्टर साहब कई तरीको। तो उनने तारीख को कहीं निकाली, रेलवे प्लेटफॉर्म के पास में एक खिलौना की दुकान थी, वहां से भी लाया 50 रुपया को रबड़ को सा, और मां से कहती कि जनी डब्बा में वो बैठू उन्हीं डब्बा में था मारो पाछे पाछे बैठ जाए। और ट्रेन आई शाम की 6 बजे, 22 नंबर डब्बा में आगे आगे मांगीलाल जी डॉक्टर साहब और पाछे पाछे मां पवन जी पंडा जी मुनि की राज्य पिता 5-7 ही उन्हीं डब्बा में। अबे मांगीलाल जी डॉक्टर साहब ने कहीं करियो कि 50 रुपया को रबड़ को सांप लाया, उन्हें रबड़ का सांप पेट में से निकाल के उन्हीं डब्बा में कि सांप 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 पूरे डब्बे खाली। डब्बा में तो मैं 4-5 ही, पर अब 10-12 दिन की नींद थी। ये तो ट्रेन की जगह ट्रक आई निकल गई नीचे, तो 10-12 दिन की नींद थी। तो कहीं हुई हो कि ट्रेन का डब्बा में बैठता है, क्योंकि ट्रेन में टची का तो लग ही कौन। अब 12 दिन की नींद तो बैठता है कि नींद आएगी। बेटे कहते हैं शाम की 6 बजे बेटिया कहां से, उदयपुर रेलवे स्टेशन से। मारी तो नींद मोड़ा ही होता है, पर पवन जी पंडा जी की नींद उड़ी। ऐसा एक भाषा बेटिया उनसे पूछी कि काओ भाषा यो काको रेलवे स्टेशन आ गयो, तो भाषा ने की कि दादा यो तो उदयपुर रेलवे स्टेशन है। तो मैंने की यार कि हाल शाम की 6 बजे का बेटिया दौड़ा की 6 बजे 12 घंटा में यार रेल कैसी चली, मैं तो उदयपुर में बेटिया था रेल उदयपुर में। तो ऐसा एक और भाई साहब बढ़िया लिख के आया, उन्होंने कहा कि भाई साहब था तो बड़ा किस्मत वाला है। मैंने कहा क्यों, तो क्या ने रेल का डब्बा में तो खाल सांप भर रखे तो वो रेल विभाग वाला ने डब्बा यही काट के रेलगाड़ी ले गयो।
तो कहने का मतलब है कि अपन पत्नी होशियारी करा अपन से कई चाले ही कोनी, तो ये पानी मौसम मौसम बगड़े बने तो ये अपना हाथ में नहीं है, बाबा का हाथ में है। तो ले चलते हैं भैरू जी महाराज के दरबार में। वो भैरू जी नाना रे नाना का बाजे राजगढ़ वाले की ओर से संग्रह पे, और उनका भी कहना है वो तेरु जी नाना नाना का बाजे जो Let's go.
Oh,
और लीजिए एक भाई साहब की फरमाइश है ये गुरुवाणी की, तो गुरु महाराज के दरबार में ले चलते एक बार जोरदार गुरु महाराज का जयकारा लगाएं। बोल।